अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम शाहपुर में SPM रोड पर यहाँ पर मौजूद हैं। शिवाजी गार्डन के एक कोने में एक खातून बरसों से रहा करती थी, जिसका नाम बीबी जैनब बताया जाता है। बीबी जैनब ने को शोहर ने छोड़ दिया, या तो फिर घर के कुछ किसी इख्तलाफ की वजह से वो यहाँ पर आई, तो लिहाजा तकरीबन 30-40 साल से लोगों ने यहाँ पर देखा है। वो यहाँ पर लोगों से काम करते हुए, कभी लोगों से मांग कर और लोगों की मदद से वो यहाँ पर रहती थी। लिहाजा किसी को जैनब से तकलीफ़ थी और ना ही आवाम की जानिब से किसी तरह की तकलीफ़ दी गई। लिहाजा लेकिन ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर आकर वो बीबी जैनब यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे वो यहाँ पर खड़ी है कि बिल्कुल अब वो बीमारियों से मुतासिर है, बीमार है और गैंग्रीन हो चुका है। अब उसे अस्पताल की ज़रूरत है, उसको इलाज की ज़रूरत है। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर कारपोरेटर राजू भातकांडे हैं और सामाजिक खिदमतगार गफूर अब्दुल खादर घी वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर आए थे ताकि उनका इलाज कर सके और उन्हें अस्पताल में रख सके, लेकिन किसी तरह से उनके घर वालों को पता किया गया, घर वालों की इत्तला दिए और घर वाले आकर अब उन्हें इलाज के लिए ले जाना चाहते। लेकिन ये कि यहाँ पर आज ये पैगाम देना ज़रूरी समझूँगा, 30-40 साल से इतने तवील अरसे तक एक खातून तने तनहा यहाँ पर रहती है और यहाँ पर लोगों के बीच वो पूरे काफ़ी महफूज थी और उसकी मदद भी की जा रही थी। और यही इंसानियत का पैगाम है जो बेलगाम में आपको मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलता है। भले कुछ लोग मजहबी तशद्दुद को फैलाने की कोशिश करते हों, नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हों, लेकिन आज भी इंसानियत ज़िंदा है और वो इस तरह से आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कारपोरेटर राजू भातकांडे मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी अरसे से उन्हें देखा, तो आप बताइए कि कब से आपने देखा? नमस्कार, मैं यहाँ से कम 30-35 साल से, मैं यहाँ से बचपन से देखता आ रहा हूँ। यहाँ पे ये रहती है, जगह जहाँ जिस जगह मिलती है वहीं रहती है। इसकी वजह से आज तक किसी पब्लिक को या किसी को यहाँ के तकलीफ़ नहीं है। इस वजह से वो अपना मेहनत करके खा रही थी आज तक। तो अभी कई बहुत सारे यहाँ के व्यापारी लोग हैं जो रस्ते पे अपना भाजी बेचते हैं, वो साइकिल दुकान रिपेयर करता है या नारियल पानी वाले हैं, जो सभी है अभी तक उनको खाना पीना जो भी देने का है वो देते हैं। आज तक उनका अभी तक उनका ख्याल रखा है उन्होंने, लेकिन अभी एक 8-10 दिन से उनके पैर में शुगर की वजह से जो ये चोट आई है अभी, तो गैंग्रीन होने की संभावना है। तो इसकी वजह से हमने उनको कांटेक्ट किया, तो खादर भाई घी वाले का नंबर मिला, तो उनको मैंने संपर्क किया, तो उनको बुलाया आज कि ऐसा ऐसा है। ये संपर्क करने के बाद घी वाले साहब इधर आए हैं, वो अपना उसका आगे का इलाज करने के लिए यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बताइए कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं सबसे पहला तो इधर यहाँ के दुकानदारों का और यहाँ पे जो हमारा राजू भातकांडे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज भी इंसानियत बाकी है और मेरे को खुशी होती है कि बाबा आज भी भाईचारा यहाँ पर जिंदा है। तो मैं यहाँ पर एक बीबी जान बोल के एक औरत है, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन करने के बाद मैं इधर आया हूँ। मैं चाहता था कि इनका कुछ इलाज करना, मतलब गैंड्रिंग हुआ है ऑलरेडी इनको, तो मैं यहाँ पे इलाज करने के लिए तो ऑलरेडी, लेकिन हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर से बात भी किया है, तो इनके रिलेशन के साथ कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, तो उन्होंने बोल रहे कि हम इनका इलाज करेंगे और हम गांव को लेके जाना चाहते हैं करके बोल रहे हैं, तो उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आइए कि हम खुद बीबी जैनब से बात करते हैं कि वो कितने साल से है यहाँ पर इस जगह पर, आप कितने साल से हैं बताओ? अभी देखो छोटे थे तभी आती मैं यहाँ, इतनी इतनी तभी आई है, क्या भी नाता है। हमारे बाबा बल्ली होते, हमारे बाबा म्यूनसिपलिटी का हयात के पटेल। यहाँ तुम्हें काफ़ी अरसे से यानी कि बचपन से है यहाँ पर, आपको लोगों की तरफ से कुछ तकलीफ नहीं मिली है? आप कैसे गुजारा करती थी यहाँ पर? काम करने को जाती। अभी आप बीमारी से मुतासिर हैं, घर वाले आपको यहाँ पर क्यों छोड़े? आप मेरे भाया एक दो जने मरे, एक भाई बराबर नहीं, भाना बराबर नहीं, भाना के बच्चे बराबर। बीबी जैनब यहाँ पर रहा करती थी, लिहाजा ये पब्लिक टॉयलेट है, फिर यहाँ पर अभी साफ़ सफाई करने के लिए बाहर निकाला तो वो बाहर ही सोया करती थी। उसके पहले कहाँ सोते थे तुम रात को? ये खुला था वहाँ सोती थी। पूछा पूछी झाड़ू फाड़ू सभी पूछती थी। तो खैर जो भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने के लिए आई कि ये SPM रोड जहाँ पर इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर गार्डन भी है, शिवाजी गार्डन काफ़ी मशहूर गार्डन, लेकिन यहाँ पर घर में 8 रुपये भाड़ा था, भाड़े से भी आते थे।
छोड़े की बाहर की आए बरसात आया तो मालूम पस्ट वो यहाँ पर किसी घर में किराए से भी थी लिहाजा वो बारिश में घर मकान गिर गया तो वो बेघर हो गई और इस तरह से वो जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ पर रहा करती थी। कुल मिलाकर यही पैगाम है कि बेलगाम एक भाईचारे का गांव है, बेलगाम अमन सुकून इत्मीनान एकता को बढ़ावा देने वाला गांव है। भले कुछ लोग यहाँ जहर घोलने की कोशिश करते हैं और वो उनका काम है, वो अपना काम करें, लेकिन इसके बावजूद इस जगह पर बेलगाम के मुख्तलिफ बेलगाम शहर के मुख्तलिफ जगहों पर आपको इस तरह से इंसानियत को ज़िंदा करने वाले वाक्य देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भाईचारा एकता और ये मोहब्बत इंसानियत यूं ही ज़िंदा रहे और यही बेलगाम की खूबसूरती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल शिवाजी गार्डन के सामने चंद्रकांत गैरेज है और वो काफ़ी अरसे से वो भी देखते हैं ये बीबी जैनब को। सर आप कितने सालों से देखते हैं आप? हम 60-65 साल से देखते हैं। ऐसा है? उसका उम्र ज़्यादा है, हमारा कम है। 60-62 साल वो अभी वो तो खैर तफसीलात देने के काबिल तो है नहीं, लेकिन जो लोग जिन्होंने देखा है उन्हें वो यही कहते हैं कि तकरीबन काफ़ी अरसा लंबा अरसा गुजरा वो यहाँ पर है और यहाँ पर लोग उसकी मदद करते रहे। वो काम भी करती थी या काम भी करती थी और कभी मांग कर भी वो खाती थी उसको 10-15-20 ऐसा सन हमारा कौन सा तो आया था उसको आयार वीआर करता था। देखो ये चंद्रकांत भाई की बड़प्पन है कि यही मैं ये समझाने की कोशिश और बताने की कोशिश कर रहा था कि बेलगाम में इंसानियत किस तरह से ज़िंदा है। हम अगर तरह में एक बार मटन उसको दे देते हम। अच्छा है। और आज वही ने हमारे को ये मांगता है यही देते थे। कई सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं कि एक बीबी जैनब नाम की एक खातून जो लड़की थी वो छोटी वो यहाँ पर आती है और उसे जो है इसी शिवाजी गार्डन के कोने में यहाँ पर उसे सहारा दिया जाता है, लोग यहाँ पर उसकी मदद करते हैं और यही एक पैगाम है बेलगाम वालों का। और बेलगाम बच्चा पहचानता है उसको। हाँ बच्चा बच्चा सभी पहचानता है। अच्छा इस स्पेयर रोड पर तकरीबन लोग उसे जानते हैं ऐसा इनका कहना है। ये पूरा इलाका महाद्वार रोड शास्त्री नगर बोलो आप कहाँ कहाँ तक जानते हैं? महाद्वार रोड कपलेश्वर इधर SPM रोड शास्त्री नगर गेट से बैंक ऑफ इंडिया पूरा पूरा एरिया पूरा जानता है। बीबी के नाम से सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। कम से कम 10-12 साल बाद देखता है उसको। उसको क्या भी लाने का रहा तो कब सब ला के दिया है। का ये आनंद दे लोणचं आनंद दे भात आनंद दे भाकरी आनंद दे काय भी असं सांग देवण वगैरे आनंद द्यायचं पाणी तिथलं आणून हात द्यायचं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये भी समझ में आई कि वो जो लोगों को कहती थी वो लोग ला कर देते थे, कभी उन्होंने किसी तरह का एक तफरका किए बगैर वो चीज़ वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर पाटिल साहब भी वही बता रहे हैं क्योंकि वो 12 साल से अब देख रहे हैं ऐसा उनका कहना। डेली 20 रुपये दे दो दाड़ी का टमा खा तो खा ठंडा है बोटल। जो यहाँ पर बीबी जान के नाम से जो जानी जाते हैं कई सालों से यहाँ पर है वो अब बीमारी से मुतासर है, उनके भाई यहाँ पर आए हैं। क्या नाम रखा अब्दुल रहमान उनके भाई हैं, वो यहाँ पर कई सालों से रहते लोगों को यहाँ पर रहना घर पढ़ने में घर जो तो दूसरे गांधीनगर में